हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल करछी का कमाल में। दोस्तों, बैगन तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे। आज हम इसे सिंधी स्टाइल में बनाते हैं। सिंधी में बैगन को वांगण बोलते हैं और इस रेसिपी का नाम है वांगण तक। आप इसे बैगन तवा फ्राई भी बोल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं वांगण तक। बैगन टुक बनाने के लिए यहाँ हमने एक बड़े साइज का बैगन लिया है। साथ में एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच अमचूर और एक चम्मच कस्तूरी मेथी लिए। अब हम बैगन को ऊपर से काट के इसका डंठल हटा देंगे और बीच से काटते हुए इसे दो हिस्सों में काट लेंगे। अब बैगन को एक हिस्से से इस तरह दो हिस्सों में काट लेंगे। अब एक हिस्से को चाकू की सहायता से इसे हल्का हल्का इस तरह से चीरा लगा देंगे। बैगन को बिल्कुल हल्के हाथ से ही चीरा लगाएंगे। मुझे हैबिट है, लेकिन आप बिल्कुल आराम से चीरा लगाइएगा या फिर इस कटर की मदद से भी आप बैगन को काट सकते हैं। हमने दोनों तरीके से दिखाया है, आपको जो आसान लगे आप उस तरह से बैगन काट लीजिए। अब एक बोल में एक गिलास पानी डालेंगे और एक चम्मच नमक डाल के उसे चम्मच की सहायता से घोल लेंगे और उसमें बैगन डुबो के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब बैगन को साफ पानी से धो के हल्के हाथों से निचोड़ के बैगन को निकाल लेंगे। अब एक प्लेट में कस्तूरी मेथी को छोड़ के बाकी सारे मसाले मिला लेंगे। मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब बैगन को हल्का सा दबा के इसका पानी निकालेंगे और इस तरह से इसके चीरों में हल्का हल्का मसाला भर देंगे। इसी तरह हम सारे बैगन में मसाला भर देंगे। मसाले भर के तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हमने 2 चम्मच तेल डाल के गर्म कर लिया है और उसमें बैगन डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम बैगन को फिर से पलट देंगे और ढक के 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तीन मिनट बाद ढक्कन को खोल के बैगन को हल्का हल्का दबाएंगे और फिर से पलट देंगे। बैगन दोनों तरफ से सिक चुके हैं। अब सभी बैगन के ऊपर कस्तूरी मेथी डाल देंगे और बैगन को हल्के हाथों से फिर से पलट देंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद बैगन तक सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।